दोस्तों आज मैं ऐसे ही कहीं से आ रहा था तो आते हुए मैंने देखा कि हमारे देश का झंडा कहीं लगा हुआ है जो सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। साथ में आपत्तिजनक मुझे लगा वो चीज कि देश का झंडा लगाया तो उन नेताओं ने, बट उसकी रेख देख करने के लिए, साथ में ही उसको देखने के लिए कि किस हालत में है देखने के लिए वहां कोई नेता नहीं था। तो मैंने सोचा कि हमारे देश के झंडे को लेकर क्या कानून है, क्या नियम है, क्या क्या टर्म कंडीशन है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। दोस्तों हम सभी भारतवासी, जितने भी हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, सभी अपने देश की पैट्रियोटिज्म को लेकर या अपने देश के देशभक्ति को लेकर सभी दिल से जुड़े हुए हैं और साथ ही अपने देश को बहुत ही सम्मान और अपने देश के ध्वज को बहुत ही इज्जत, सैल्यूट और बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं। और दोस्तों हर भारतीय के दिल में सम्मान होता है कि वो अपने देश का जो झंडा है, जो ध्वज है, उसको फहराए भी जरूर। दोस्तों क्या आप लोगों को अधिकार है अपनी गाड़ी पर अपने देश का झंडा लगाने का? क्या आपको अधिकार है अपने घर की छत पर झंडा लगाने का अपने देश का? क्या आपको अधिकार है भारतीय देश का जो हमारा झंडा है उसको कहीं भी आजादी से फहराने का? क्यों किसी भी सिनेमा घर में, किसी मूवी हॉल में सबसे पहले राष्ट्रगान से शुरुआत होती है? और क्यों पहले देश को परमिशन नहीं थी, देश के जो कॉमन लोग हैं उन लोगों को झंडा फहराने की आजादी नहीं थी, पर अब उन्हें एक अधिकार मिल चुका है कि वो भी अपने देश का झंडा फहरा सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल है हमारे दिलों में, आज हम बात करेंगे उन्हीं सब सवालों को लेकर आज अपने इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या हम प्राइवेट लोग, प्राइवेट संस्थान में, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने घर पर क्या हमें अधिकार है झंडा फहराने का? क्या हम लोग अपने देश का झंडा, जो भारतीय हमारा ध्वज है, क्या हम उसको फहरा सकते हैं? क्या हमें अधिकार मिला है? दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा 1950 में जो एक्ट आया था हमारे देश के ध्वज को लेकर, उसके बाद में 1971 में एक एक्ट आया और उसके बाद 2002 में एक एक्ट आया, फ्लैग कोड 2002। दोस्तों इसमें क्या है, पहले 2002 के पहले की अगर हम बात करें तो पहले देश के सभी जितने भी नागरिक हैं, जितने प्राइवेट लोग हैं या कोई भी, अपने घर की छत पर, अपनी गाड़ी पर या कहीं पर भी वो झंडा नहीं फहरा सकता था। बट 2002 के बाद जब ये फ्लैग कोड आया, उसके बाद कुछ आपको अधिकार मिले। और ये अधिकार लाने वाले जिन्होंने केस लड़ा था उनका नाम था नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जब अमेरिका से अपनी पढ़ाई कर वापस इंडिया लौटे 80s में, तो उन्होंने देखा कि यहां पर अपने देश का झंडा फहराने की आजादी नहीं है। हमारे आजाद देश में हमारे देश का झंडा, जो सर्वश्रेष्ठ, हम जिसकी सम्मान देते हैं अपने दिल से, उस झंडे को फहराने की परमिशन नहीं है लोगों को। उन्होंने क्या किया, आकर अपनी फैक्ट्री पर लाके झंडा लगा दिया। झंडा लगाया, वहां कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि इलीगल है, आप यह झंडा नहीं लगा सकते। ये चीज को देखते हुए उन्होंने केस कर दिया। केस करने के बाद लगभग 10 साल तक लड़ाई चली। 10 साल लड़ाई चलने के बाद 2001 में ही हालांकि जजमेंट आ गया था, पर 2002 में ये एक रूल पास हुआ, एक ऑर्डर पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बताया गया कि कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक अपने देश के झंडे को फहरा सकता है, उनको हक है, आजादी है। क्योंकि अमेरिका जब पढ़ाई करके आए थे, वहां इन्होंने देखा था हर घर में वो अपने देश का झंडा लगाते थे, बाहर झंडा लगाते उन्हें पूरी आजादी थी। तो इन्होंने कहा कि मेरे देश का झंडा, जो मेरे देश का प्रतीक है, मैं उसको क्यों नहीं लगा सकता, इसीलिए वहां से वो जजमेंट आया। दोस्तों हमारे देश के झंडे को वैसे तो हम देखा जाए सभी लोग चाहते हैं लगाना, सभी लोग उसको अच्छी तरह सल्यूट भी करना चाहते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, पर कई बार गलतियां कर बैठते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि कभी भी आप अपने देश के झंडे को या अपने देश के झंडे के प्रिंट को कभी भी आप कपड़ों के रूप में नहीं पहन सकते, और अगर आप चाहते भी हैं तो कमर से ऊपर पहने जाना चाहिए। आपने देखा होगा जो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, उनकी ड्रेस पर भी, उनकी जर्सी पर भी तिरंगा झंडा लगा होता है। साथ ही कई लोग ऐसे प्रिंट करते हैं, टी-शर्ट्स आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में, कई ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं जो कि हमारे देश के झंडे का रूप है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो तिरंगा झंडा है तो सिर्फ वो तिरंगा झंडा होगा, उस पर और कोई चीज नहीं लगाई जा सकती। जिस तरह से कि हमारे देश का जो झंडा है, जिसका साइज ऑफिशियली 3x2 का बताया गया है कि 3x2 का वो साइज होता है एक्चुअल तरीके से, और उसको कभी भी मैले कुचैले रूप में उसको लगा दिया, आज सालों साल लगा हुआ है, आपने ध्यान भी नहीं दिया, या कभी नीचे गिर जाए या उसका कोई भी ऐसा कोई प्रारूप बन जाए, कोई भी ऐसी हरकत हो जाए जो कि सम्मानजनक नहीं है। दोस्तों आपको अगर अपने देश का झंडा फहराना है तो सम्मानजनक तरीके से फहराना होगा, वरना वो इल्लीगल होगा और आपको अरेस्ट करके आपको जेल तक भेजा जा सकता है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। तो जिस पोल पर हमारे देश का झंडा लगाया जाएगा, उस पोल पर और कोई भी दूसरा ऐसा कोई प्रतिबिंब या ऐसा कोई भी ध्वज नहीं लगा सकते, चाहे फिर वो आपकी धार्मिक आस्था से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। और अगर आप मान लीजिए थोड़ी दूर पर भी कोई झंडा लगाते हैं, तो वो झंडा हमारे देश के झंडे से ऊपर नहीं हो सकता। हमारे देश के झंडे को हम सभी हिंदुस्तानी नागरिक, फिर चाहे वो अपने देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे देश का सुरक्षा मंत्री हो, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, वो सैल्यूट करेंगे हमारे देश के झंडे को, बट हमारे देश का झंडा किसी के भी ऑनर में झुकाया नहीं जाएगा। आप हमारे
देश के झंडे का किसी भी तरह से अपमान नहीं कर सकते हैं, पर हाँ जितने भी हमारे देश के जो जितने भी सेना के लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो आर्मी में हैं या किसी भी तरह देश की सेवा करते हैं, जब वो उनको शहीद हो जाते हैं वो लोग, तो उन्हें भारतीय ध्वज में लपेट कर लाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। बट ऐसे ही अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आप उसके ऊपर झंडा नहीं डाल सकते हैं, वो हमारे देश के झंडे का अपमान होगा। दोस्तों 1971 का जो एक्ट था, जो बनाया गया था, देश के प्रतीकों को किसी भी तरह की आप हानि पहुंचाते हैं या आपत्तिजनक किसी भी तरह से उनको रखा जाता है, तो उसके ऊपर प्रिवेंशन एक एक्ट बनाया गया था कि क्या क्या सजा होगी। वो एक नेगेटिव टाइप का एक्ट था, पर जो 2002 में ये एक्ट बनाया गया, जो फ्लैग कोड के नाम से बनाया गया, उसमें बताया गया कि हमारे देश का जो झंडा है किस तरह लगाया जाएगा, क्या क्या प्रारूप होंगे, क्या आपको आजादी है यूज करने की, क्या आजादी नहीं है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा किसी भी अपने देश के कोई भी मोहल्ला हो, एरिया हो या कोई लोकेलिटी हो, वहां पर अक्सर नेता लोग जाकर झंडा फहरा देते हैं। झंडा फहराने के बाद पूरे पूरे साल तक जाकर देखते भी नहीं है किस हाल में हमारे देश का झंडा होता है, मैला कुचैला होता है, फट जाता है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, कहीं पर भी झंडा अगर फहराया गया है और अगर वो फट जाता है तो ये जिम्मेदारी बनती है उसी व्यक्ति की, उसको नीचे उतारे और उसको दूसरा झंडा लगाया जाए। साथ में ही जो आपका झंडा आपने उतारा है आप ऐसे ही उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, ऐसे डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं, वो बिल्कुल आपत्तिजनक एक बात है। उसको करना भी है, डिस्पोज भी करना है, तो आप अपने कमरे में आकर, अपने घर पे आकर किस तरह से आप करेंगे, बट सम्मानजनक स्थिति के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हिंदुस्तान के गैर जिम्मेदार नागरिक ही कहलाए जाएंगे, साथ में ही आपको सजा भी हो सकती है। दोस्तों हमारे देश का जो झंडा है, जिसने उसको डिजाइन किया, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया, जो कि 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा में अप्रूव किया गया। पहले हमारे देश के झंडे में बीच में जो अशोक चक्र है, अभी पहले वहां चरखा हुआ करता था, उसके बाद वहां अशोक चक्र लगाया गया। साथ में ही जो अशोक चक्र है उसके अंदर 24 स्पोक्स होते हैं, 24 वो डंडियां होती हैं, 24 से वो 21 नहीं हो सकती, 23 नहीं हो सकती, 25 नहीं हो सकती, वो एक निर्धारित है। हमारे देश का जो झंडे का कलर है, सबसे ऊपर सैफ्रॉन होता है, नीचे व्हाइट फिर ग्रीन होता है, यही रहेगा। 3x2 का झंडा होता है, पर झंडे के रूप के अनुसार ये बनाया जाता है। फ्लैग इंडिया फाउंडेशन इन्हीं नवीन जिंदल का है, जहां पर कि आपने देखा होगा अपने देश में या दिल्ली के आसपास, अगर दिल्ली में आप रहते हैं, कई जगह बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो इन्होंने ही वो जो फ्लैग्स हैं डोनेट किए हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा, अगर बात करें दिल्ली में झंडा, तो सबसे बड़ा हमारे देश का फ्लैग लगा हुआ है कनॉट प्लेस में। आप अगर जाते हैं दोस्तों, यहां पर भी कुछ प्रारूप है, यहां भी कुछ नियम और कानून है। कभी भी कोई देश का, हमारे देश का झंडा कहीं लगाते हैं, तो नियम यह बोलता है कि आप सूर्य उदय पर उसको ऊपर लेकर जाएंगे और रात को आकर उसको नीचे ले आएंगे। साथ ही कई जगह पर जहां पर कि मान लो कि बहुत ही बड़ा एक एरिया है या खुला एरिया है जहां झंडा लगा सकते हैं, जैसे ही कनॉट प्लेस में है, रात में लगाएंगे, तो रात में लगाने का भी एक नियम है कि वो झंडा दूर से नजर आना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, साथ में सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके एरिया में, मोहल्ले में कहीं पर भी ऐसा तिरंगा झंडा कहीं लगा हुआ है, जो कि काफी टाइम से लगा हुआ है, लगाया था किसी नेता ने, नेता लोग ही ऐसा करते हैं, ला के लगाते हैं, अपने सम्मान में लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इलेक्शन आते हैं सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर आप देखते हैं अपने तिरंगे झंडे को ऐसी किसी बराबर स्थिति में, तो दोस्तों जरूर जाएं, मदद करें, कंप्लेंट करें और उस झंडे को जरूर बदलवाएं और उसका सम्मान जरूर करें, क्योंकि आप भी एक हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं। दोस्तों अपने भारतीय झंडे का, भारतीय फ्लैग का सम्मान करना सभी जितने भी हिंदुस्तानी नागरिक है सब कर्तव्य बनता है, उसका सम्मान करें। कहीं भी आप कोई झंडा देखते हैं लगा हुआ, मैंने अपनी वीडियो बनाई क्योंकि मैं कहीं से आ रहा था, मैंने एक जगह झंडा लगा हुआ देखा, किसी नेताजी ने कहीं पर लगाया होगा, आज वो झंडा बहुत ही मैला कुचैला सा नजर आ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, बताने चाहिए आपको अपने अधिकार भी, साथ में ही आपके क्या क्या राइट्स हैं और क्या आपको करना चाहिए। दोस्तों मैं बताऊं, कहीं पर भी जो अपने देश का झंडा लगा है, अपने देश का फ्लैग लगा है, वो सम्मान की स्थिति में लगी होनी चाहिए। अगर सम्मान की स्थिति में नहीं लगाई, या मान लीजिए झंडा हमेशा लगाया जाता है कुछ खुले एरिए में जहां वो झंडा फहराया जा सके, कई बार मैंने देखा है कि कुछ नाले बने हैं, नालों के साथ में ही झंडा लगा दिया गया है, जहां फहरने के लिए भी उसको सही से पोजीशन नहीं मिल पा रही है, आसपास कुछ पेड़ हैं ढका हुआ है उन चीजों से, दोस्तों वहां झंडा लगाने की शायद जरूरत नहीं थी, बट फिर भी झंडा लगा दिया गया उन नेताओं के द्वारा जो सिर्फ क्रेडिबिलिटी चाहते थे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। वो झंडा लगा तो दिया गया इन नेताओं के द्वारा, बट उसकी रेखदेख का कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं समझता है जब तक कि वो इलेक्शन नहीं आते हैं। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, कभी भी जब गाड़ी पर झंडा लगाया जाता है, कोई भी जो डिग्निटरीज हैं अपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े, सिर्फ उन्हीं को पावर है झंडा लगाने का अपनी गाड़ी पर। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पर झंडा लगाकर नहीं चल सकता है। पर मैं एक रूल और आपको बता दूं, गाड़ी पर मैंने अक्सर देखा है ऐसे ही कोई भी झंडा लगा लेता है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर झंडा लगा लेता है, आगे लेफ्ट हैंड साइड पर। दोस्तों ऐसे झंडा नहीं लगाया जाता, कभी भी अपने देश का झंडा कहीं फ्लैग लगा है तो गाड़ी के हमेशा राइट हैंड साइड पर लगा होगा। आपने देखा होगा जब भी कोई बाहर से, दूसरे देशों से इंडिया में आते हैं, उनके डिग्निटरीज आते हैं, जब उनको रिसीव करते हैं, तो उनके देश का झंडा लेफ्ट में लगाया जाता है, अपने देश का झंडा
राइट में लगा जाता है, कि हमेशा ही अपने देश का झंडा है वो राइट में ही लगता है। साथ में ही अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं संबोधित करने के लिए जनता को, तो आप देखो जब झंडा फहराते हैं तो झंडा उनके पीछे होता है राइट हैंड साइड पे, और वो लेफ्ट में खड़े होते हैं जब वो संबोधित करते हैं। ये भी कुछ नियम है। साथ में ही जो स्कूल में झंडा फहराया जाता है उसके भी कुछ नियम कानून है। तीन साइड हम स्टूडेंट्स लोग खड़े होते हैं, सामने झंडा होता है, ऐसे कई सारे नियम और कानून है। आप कोई भी किसी तरह की बात पूछना चाहते हैं, आपके दिल में कोई सवाल है अपने देश के झंडे को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर आपको कमेंट जरूर करेंगे और आपको बताएंगे। और दोस्तों आप जरूर हम लोगों से प्रॉमिस करना कि आप कहीं पर ही अपने देश में जहां भी आप रहते हैं कहीं देखते हैं अपने देश का झंडा लगा हुआ और उसको देखते हैं आपत्तिजनक किसी हालात में देखते हैं या आपको लगता है सम्मानजनक नहीं है, उसकी कंप्लेंट आप जरूर करें और साथ में झंडे को बदलवाएं, ताकि कम से कम जो हमारे देश का एम्ब्लेम है जिससे हम लोगों को पहचाना जाता है उसका अपमान ना हो सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करेंगे, उन तक भी पहुंचाएंगे लीगल अवेयरनेस की इस वीडियो को, साथ में किस तरह से हम अवेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।